ओवरव्यू दे देता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फेम स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया, हाई कोर्ट ने सॉरी, तो इस स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड जो पढ़ेंगे ईवीएम के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएम की हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब से उसके साथ वीवीपैट को अटैच किया गया, ठीक है ना। तो कुछ उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, उसके क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। फिर लिंगराजा टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल आपका महाशिवरात्रि थी तो उस टेम्पल के बारे में आया, तो लिंगराज टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, और ये यूनेस्को आता है और रिसेंटली 3-4 बार न्यूज़ में आया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपकी सिस्टमेटिक वोटर मतलब कि एजुकेशन इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेंट जो आपकी स्टिव है स्कीम के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चर डायमेंशन चेक करेंगे, अभी सबरीमाला का इश्यू चल रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चर डायमेंशन को वर्सेस जो वर्डिक्ट है मतलब प्रॉब्लम है उसको हम चेक करेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या आपका कल्चर से रिलेटेड है, दोनों डायमेंशन से चेक करेंगे उसे। फिर क्वाड के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड नेशन की मीटिंग होने वाली है तो क्वाड के बारे में हम जानेंगे, इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्यों हमारे लिए क्वाड इतना ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ थी। वी बैक टू अवर हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट जो आती है वैक्सीन, जो क्लिनिकल ट्रायल है कोवैक्सीन का, अभी तक कोवैक्सीन को इमरजेंसी फॉर्म में रखा गया था। ऐसा क्यों किया गया था इमरजेंसी फॉर्म में, क्योंकि उसके ट्रायल कंप्लीट नहीं होते। जो कोवैक्सीन है इंडिजीनियस डेवलप की गई है आपकी भारत बायोटेक ने, इतना याद रखना। अभी कोविशील्ड है, कोविशील्ड किसकी है, वो आपकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की है, जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है। तो कोविशील्ड, अब कोवैक्सीन को भी क्लिनिकल ट्रायल के मोड ऑफ हो चुके हैं, अब इसे इमरजेंसी नहीं रिस्पॉन्स से हटा के अब इसे ऐसे नॉर्मल वैक्सीन की तरह यूज़ किया जाएगा, ऐसी बातें। अब केसेस दोबारा इंक्रीज होने लगे हैं महाराष्ट्र में, कल में 13,000 केसेस आए, तो बी सेफ केसेस दोबारा इंक्रीज होने चुके हैं। कल 11 मार्च थी, कल के दिन ही WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था आपको, मतलब आपका कोविड कोरोना को पेंडेमिक बताया था। पेंडेमिक क्या होता है कि वो ट्रांसमिशन उसका स्टार्ट हो गया, एक फेज से दूसरे फेज में जाने लगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। पेंडेमिक क्या रहता है, पर्टिकुलर एरिया में, सॉरी वो पेंडेमिक क्या रहता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में उसका ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो गया, उसे पेंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक बोलते हैं पर्टिकुलर उसके एरिया में ही उसके वो है प्रॉब्लम्स हैं, उसे एपिडेमिक बोलते हैं। तो पेंडेमिक 11 मार्च को WHO ने बोला था, इसमें कुछ न्यूज़ आई है। फिर PM अटेंड टू फर्स्ट पेंडेमिक मोर सीवियर देन एपिडेमिक। हाँ, पेंडेमिक क्या, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पेंडेमिक मोर सीवियर इसलिए होता है कि सीवियर इसलिए जाता है क्योंकि वो फैलने लगता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में, तो वो पेंडेमिक हो जाता है, फिर वो फैल चुका होता है बहुत बुरी तरह। एपिडेमिक क्या रहता है कि पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है, जैसे क्या है केरला में ही है और किसी स्टेट में नहीं आया या किसी और कंट्री में नहीं गया, तो ये है। फिर PM अटेंड नहीं की थी, फर्स्ट क्वाड की सबमिट थी, वास्ट अटैम्प्ट करने वाले हैं, PM अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो हम स्क्वाड की मीटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज स्क्वाड, बैक टू आवर, ठीक है। क्वाड क्या है, क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग किसका है, इंडिया US जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये क्या इंश्योर करता है, फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरियस इंडो पैसिफिक रीजन को, मतलब ऐसे वर्क करे, फ्री ओपन और प्रॉस्पेरियस तरीके से वर्क करे। ये फर्स्ट टाइम जो किसका माइंड था कि मोटिड किसने किया था, कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके, जो आपके शिंजो आबे थे 2007 में, उन्होंने बोला था कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में पुल अप आउट किया था इस चीज़ के लिए, मतलब चाइनीज प्रेशर को देखते हुए। तो फिर 2012 में शिंजो आबे ने फ्लोपिट किया, कॉन्सेप्ट बनाया कि डेमोक्रेटिक आपका सिक्योरिटी डायमंड हमें बनाना चाहिए, इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान एंड US। ऐसे देखते देखते 2007 में पर्टिकुलरली बन चुका था आपका क्वाड, कोऑर्डिनेशन बन चुका था, स्पेशली फॉर चाइना इन्फ्लुएंस जो इंक्रीज हो रहा था आपका एशिया रीजन में, इवन पैसिफिक रीजन में, उसको देखते हुए इन्होंने क्वाड बना दिया। क्वाड क्या है, इसमें क्या है, US है, ठीक है ना। वो चाइना इंक्रीज इन्फ्लुएंस हो रहा है ईस्ट एशिया में, तो US का ये है कि US ऐसे स्टॉप करेगा, चाइना को कैसे स्टॉप कर सकता है, रशिया को कैसे, तो US के क्या चीज़ें हैं, US इस चीज़ से ध्यान रखता है, इसलिए क्वाड के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया का कंसेंसस है कि मतलब कि चाइना ग्रोइंग द मतलब इंटरेस्ट इन द लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द यूनिवर्सिटी, तो ऑस्ट्रेलिया का भी कहीं ना कहीं मतलब सोच रहा है कि हमें भी पार्ट में आना चाहिए। और जापान का तो बहुत बड़ा इशू है चाइना के साथ, वो उसकी टेरिटरी भी क्लेम करता है, सी को भी क्लेम करता है, 1/3 ऑफ जापान इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना, तो ट्रेड वॉल्यूम ऑफ चाइना, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं चाइना और जापान के बीच में। फिर जापान का क्या, एग्री इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड बेल्ट रोड इनिशिएटिव।
ये कुछ प्रॉब्लम, इंडिया के इंटरेस्ट क्या है वो तो आपको पता ही है। एक तो OBR डेवलप कर रहा है, फिर आपको आपके आसपास में पोर्ट खरीद रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है, तो इंडिया का भी इशू है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या डेवलप किया, हमने डेवलप किया अपना क्वाड, उस चीज़ को हैंडल करने के। आप चाइना को सेंट्रिक अप्रोच रखनी है इसमें, चाइना को सेंट्रिक अप्रोच में रखना है, चाइना से ट्रैकल करने के लिए, चाइना जो टेरिटरी क्लेम करता है, चाइना क्लोजनेस टू एशियान है उसको देखने के लिए, इकोनॉमिकल पावर ऑफ चाइना, कन्वर्जन अमंग द क्वाड नेशन, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को चाइना की सेंट्रिक अप्रोच देखने में क्वाड डेवलप किया, इंपॉर्टेंट किया। 2017 में बना था ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर के माइंडेड, मतलब उनके थॉट के रिलेटेड, उनसे मतलब उन्होंने मतलब इसे मोटिवेट किया था, बताया था कि ऐसा कोई नेशन बनाओ, बस आपको याद है कितने इसमें मेंबर है। तो यही सब चीज़ें वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं, इंडिया जापान चाहे मतलब कि जापान ऑस्ट्रेलिया कुड बी लीड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तीनों एक साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे आप वेस्ट टर्मिनल कॉरिडोर बना रहे हैं, और आज एक न्यूज़ आ रही है जाक्सा, जो जापान की एरोस्पेस है और इंडिया की इसरो साथ मिलकर अपना मून जो रोवर मिशन है उसको पूरा करेंगे, 2024 में भेजना है उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। जो एशियान नेशन है उनको मतलब हेल्प कर सकता है, रीजनल इंपॉर्टेंस देख सकता है क्वाड, ठीक है ना, एक जियो पॉलिटिक्स है। और इसमें एक चीज़ इंडो मैराइन को भी हेल्प कर सकता है, इंडो मैराइन को, मैराइन सिक्योरिटी को देख सकते हैं, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। ये क्वाड के कुछ वे फॉरवर्ड चीज़ें हैं जो क्वाड कर सकता है एक साथ मिलकर। नाउ वी बैक टू आवर हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये मैंने आपको क्वाड के बारे में थोड़ा बता दिया। फिर आ EVM के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फाइल केस हुआ है कि किसी ने फेक न्यूज़ की थी, EVM को हैक किया, फेक न्यूज़ चलाई थी किसी ने ऐसी, तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया है केस, किसमें FIR की है, जिसने वो फेक न्यूज़ की बोला था। तो हम EVM के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये लिंगराजा टेम्पल ऑफर ए प्रेयर ऑफ ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि फेस्टिवल भुवनेश्वर। तो हम लिंगराजा टेम्पल के बारे में देखेंगे और EVM के बारे में देखेंगे। नाउ बैक टू आवर नोट्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब EVM होता क्या। एक EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोवाइड करती है वोटर को, बटन देती है, चूज देती है, मतलब वोटिंग करने के लिए। एक बैलेट पेपर होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में, फोटो नहीं ली हुई है मैंने इसमें। तो एक बैलेट पर देखो, एक मशीन होती है बैलेट पेपर वाली मशीन होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, दोनों आपस में अटैच रहती है। जो आपकी बैलेट पेपर वाली मशीन होती है उस पर क्या होता है, वोटर लिस्ट वालों के नाम होते हैं, इधर कंट्रोल यूनिट होता है जिसमें जाके कंट्रोल में सेव होता है सारा डाटा, वो बाहर रखी होती है और वो आप सीक्रेट पोर्शन में रखी होती है बैलेट वाली। इसमें 1, 2, 3 चूज होती है, तो 2 यूनिट होती है कंप्रोमाइज, 2 यूनिट, एक तो कंट्रोल यूनिट जो मैंने आपको बताई और एक बैलेट यूनिट, विच इज कनेक्टेड विथ 5 मीटर केबल, इनके 5 मीटर केबल से कनेक्टेड रहती है, ऐसा भी कुछ इसमें लिखा गया है। पोलो जो आपका पोलिंग ऑफिसर होता है, मेरा अपॉइंटेड होता है, वो उसे देखता है इलेक्शन कमीशन जो बैलेट यूनिट पे देखता है और वोटिंग देखता है, सब कुछ वो चेक करता है, जो पोलिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग पोल में बैठा होता है। EVM जो मशीन है ना वो 6 वोल्ट की आपकी सिंगल एल्कलाइन बैटरी से कनेक्टेड होती है, ऐसा याद रखना, सिंगल एल्कलाइन बैटरी से। अब हिस्ट्री क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1980 में MB हनीफ इन्वेंटेड किया था फर्स्ट इंडिया वोटिंग मशीन, ठीक है ना, तो ये 1980 में हुआ था। फिर ये 1980 में फर्स्ट टाइम यूटिलाइज किया गया था केरला के कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में, कौन सी, नॉर्थ आपका पारवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पारावूरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट टाइम केरला में यूज़ किया गया था। EVM लॉन्च इन 1989 में इसे लॉन्च किया गया प्रॉपरली तरीके से, और इलेक्शन कमीशन ने इसे जॉइंटली विद इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ इसे लॉन्च किया 1998 में, मतलब कि इसे और भी 16 असेंबली इलेक्शन में जो दिल्ली में हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए थे, या राजस्थान में, और यूज़ किया गया, पर फर्स्ट टाइम केरला में। और 2007 में लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कंट्री में यूज़ किया गया। 2011 में इसमें मतलब कुछ इशू उठने लगे, ये है तो हम VVPAT को लेके आए, पर 2011 में ट्रायल बेस पे हमने यूज़ किया VVPAT का। और 2019 के जो इलेक्शन हुए हैं इसमें इलेक्शन मशीन आपके EVM और आपका VVPAT दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ हुए हैं 2019 में। तो मैं VVPAT नहीं बताऊंगा, पर इसके मैंने आपको इवोल्यूशन बता दिया EVM का कैसे, फर्स्ट टाइम आपका केरला में यूज़ हुआ था और कम्प्लीटली इंडिया में 2004 में लोकसभा के इलेक्शन में यूज़ हुआ था। अब एडवांटेज क्या है, कि एडवांटेज वही है, आप खुद बता सकते हो, पेपर वैलिड को गिनना पड़ता है, पेपर का भी इतना सारा उसमें पेपर जाते हैं, उसको गिनने में टाइम लगता है,
ठीक है ना, एलिमिनेट कर हमने इनवैलिड और डाउटफुल वोटिंग, मतलब कि इनवैलिड वोट बहुत हो जाते थे, लोगों को पता है वो उस पर वोट करने के, अगर आप फिजिकली वोट करते हो, बटन मतलब बटन नहीं होता, पेपर पे वोट करते हो, तो इनवैलिड होने की संभावना ज़्यादा रहती है वो, क्योंकि उसे फोल्डिंग करने की उसकी एक, कैसे उसे फोल्ड करना है मतलब उसकी भी एक ट्रिक होती है, अगर आप उसे गलत फोल्ड कर देते हैं तो जो जो आप स्टैम्प लगाते हैं ना वो दूसरी आदमी के मतलब उस साइन पे भी आ जाती है, तो उसमें इनवैलिड होने की ज़्यादा संभावना रहती थी जो आप पेपर वाले से करते थे, पर इसमें थोड़ा ये एरर कम कर देगा, वोटिंग प्रोसेस को सिंपल और इजी बना दिया, बस बटन दबा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और रनिंग एकदम कॉस्ट इफेक्टिव, कैसे कि वोटिंग 4-5-6 घंटों में, 1 दिन में हो जाएगी, फिजिकल में क्या वो 4-5 दिन तक चलती थी कंटिन्यूअसली। और ईवीएम को मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, उसके पास अपनी बैटरी, जो मैंने आपको सिंगल अल्कलाइन बैटरी बताई आपको, और लाइट और पोर्टेबल वेट में, इतने बड़े बक्से लेके जाने पड़ते थे, इतने सारे वो बॉक्स लेके जाने पड़ते थे, बस उसे एक छोटे से बॉक्स में लेके जाओ और बोटिंग करा लो, फास्टर डिलीवरी रिजल्ट देती है वो आपको पता ही है। और हैकिंग ऑफ ईवीएम इज़ नॉट पॉसिबल सिंस दे आर नो इंटरनेट कनेक्शन, उसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसा उसे कुछ एडवांटेज है। अब आप न्यूज़ में तो सुनते ही रहते हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं हम एक को वोट कर रहे हैं दो, पर हम दूसरे को वोट के एक पार्टी को जा रहा है, ऐसे इशू उठते रहते हैं, तो आप उसके ये निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। अब पढ़ाऊंगा लिंगराजा टेम्पल हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो आपका एकाम्रा प्लान है, एकाम्रा प्लान जो है उसके बारे में, ठीक है ना। भुवनेश्वर में टेम्पल इज लोकेटेड, यूनेस्को हेरिटेज साइट पर आता है, विल बी स्ट्रॉन्गली, ठीक है ना। अभी अट्रैक्ट क्या, लिंगराजा मतलब शिव जी से डिवोटेड रिलेटेड, लिंगराजा टेम्पल आपको 11th सेंचुरी में लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था, और ठीक है ना, लार्जेस्ट टेम्पल सिटी इन भुवनेश्वर में ही लोकेटेड है, और लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, और 11th सेंचुरी में डेवलप किया जा गया था। ये किसने डेवलप, बिलीव एंड बिल्ड बाय द आपका सोमवंशी किंग जो थे आपके यथाथीज फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं बिंदु सागर बताया था मैंने, तो एक कॉरिडोर डेवलप ना लिंगराजा ना बिंदु लेक से बीच में कॉरिडोर बनाना है, तो कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये आपके सोमवंशी किंग थे, आपको यथाथति फर्स्ट इसने डेवलप किया था, हाइट इसकी ये बिल्कुल याद मत रखो। इसमें जो रेड स्टोन का यूज़ किया, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, 4 सेक्ट हैं इसमें, से घबरा मतलब कि गर्भगृह होता है सैम्पल में, जहाँ पे मतलब मेन मतलब कि आइडियल रखा जाता है, फिर आपका यज्ञशाला होती है, बाहर प्रेयर हॉल होता है उसके, फिर आपका आपका भोगा मंडप होता है मतलब हॉल ऑफ ऑफरिंग, ठीक है ना, थोड़ा बाहर होता है उसके, फिर आपका नृत्यशाला होती है, हॉल ऑफ डांस मतलब बिल्कुल बाहर सेट, ये कुछ 4 उसमें डिवाइडेड है सेक्ट में, तो आपको याद रखना है 4 सेट किस में होते हैं, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। 150 इसके मतलब सब्सिडी श्राइन्स हैं, बस इतने याद रखना। और स्वयं बंधु सेल्फ ओरिजिनल शिवलिंग मतलब कि इसमें यह है कि, और मतलब आपको पता ही है कि शैविज्म और वैष्णविज्म सेक्ट ऑफ द उड़ीसा में है टेम्पल इस चीज़ के, और कुछ याद मत रखो आप। मैंने बताया ना बिंदु सागर लेक से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल में लोकेटेड है, थोड़ा दूर है, एक पूरा प्रॉपर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूसली न्यूज़ में है आपका। 4 मॉन्यूमेंट जो आपका उड़ीसा के अंदर है, एक तो कोणार्क सन टेम्पल है, ये भी किस में आता है, यूनेस्को में आता है, एक और ये लिंगराजा आता है यूनेस्को में हेरिटेज साइट में, ये आता है। फिर जगन्नाथ टेम्पल है, तारातरिणी टेम्पल है, और फिर उदयगिरी और आपको कंडागिरी केव्स भी कहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, 2 यूनेस्को के हेरिटेज में आते हैं, एक कोणार्क और एक आपका आता है आपका लिंगराजा। तो ये मैंने आपको 2 टेम्पल के बारे में बता दिया। अब बैक टू अवर हिंदू न्यूज़पेपर, आज बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था वैक्सीन दी जा रही है, एक तो 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको फ्री मिल रही है, और फिर जिसमें कुछ आपका कोमोरबिडिटीज मतलब बीटीडीज में कुछ प्रॉब्लम है, जो 45 साल से बड़े हैं और 49 साल तक के हैं, मतलब सॉरी 59 ईयर के हैं, 45 से बड़े हैं, 59 तक के हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब डिफॉर्मेलिटीज है, तो उनको भी मिलेगी। अब तो एक मतलब जो मेंटल इलनेस वाले हैं उनको भी ऐड करने की बात की गई है, जो आपकी लिस्ट जो आपकी आपकी कोमोर बिटीज वाली जो लिस्ट है उसमें ऐड करने की बात की गई कुछ, ठीक है ना, इतना बस याद रखो। फिर पेटिशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेंशन करना है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम है ना आपकी फेम सेकंड, उसका एक्सपेंशन करो, जो उसका फंड है उसका यूटिलाइजेशन करो और स्कीम को और एक्सपेंड करो। हमें उस स्कीम के बारे में पढ़ना है, ना कि हमें पढ़ना है स्कीम में एक्सपेंड करने की क्या बात की गई है, कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ 2020 में बजट स्पीच में,
आया था नेशनल हाइड्रोजन मतलब एनर्जी मिशन, इसको भी ऐड करो और इंक्रीज करो। मैं आपको फेम स्कीम के बारे में बताऊंगा। फेम स्कीम क्या है? फेम इंडिया स्कीम जो अभी फेज चालू है, सेकंड फेज चालू है, फर्स्ट फेज मतलब खत्म हो चुका है, वो बताऊंगा कब से कब तक का फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज जो था आपका स्टार्ट हुआ था मतलब 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2019 तक था, 2019 तक था फर्स्ट फेज जो उसका फर्स्ट फेज था। अब इसमें क्या कि फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया फेज सेकेंड में, जो उसकी फेम की फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या करना है, प्रमोट करना है आपको इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इन द कंट्री। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, मतलब फिर वो नेट जीरो पर हम जा सकते हैं कार्बन। तो इसके 1000 करोड़ दिए गए हैं, जो मिशन है 2019-20 से 2021-22 तक कंटिन्यू होगा और इफेक्टिव 1 अप्रैल 2019 से हुआ है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया 2015 से ये चला था, 2019 तक था, 18-19 तक। क्या करना है, इंक्रीज करना है आपको, फास्ट अडोप्शन करो इलेक्ट्रिसिटी और हाइब्रिड व्हीकल्स का, ठीक है ना। और नेसेसरी जो मतलब चार्जिंग, अब व्हीकल आएंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टू डेवलप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको भी इंक्रीज करो। और स्कीम विल हेल्प एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और फ्यूल सिक्योरिटी। जो स्कीम है उनको हेल्प मिलेगी एड्रेस करने में कि जो इशू है आपके पॉल्यूशन और फ्यूल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी होंगे इसके फ्यूचर है। कुछ सैलेंट फ्यूचर भी हैं, आपको इम्फेसिस करना है आपको किसी की इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ध्यान दिया गया, उसको मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। और इसमें कुछ आपको सब्सिडीज, मतलब कि सब्सिडीज दी जाएंगी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे किस चीज़ में, जो आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लेकर रजिस्टर्ड कराता है, इलेक्ट्रिकल लेता है, तो 3 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, तो उन सेगमेंट में आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। जैसे 3 लाख का कोई आपने गाड़ी लिया, 3 व्हीलर लिया, 3 लाख का, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, उस 3 लाख के व्हीकल को आप क्या कर रजिस्टर्ड कराते हो आप एज ए कॉमर्शियल व्हीकल में, वो पीली नंबर प्लेट, येलो नंबर प्लेट वाले में, ठीक है। तो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड होंगे 3 व्हीलर पर भी और 4 व्हीलर पर भी, ये है। अब 2 व्हीलर आप खरीदते हो तो आपको प्राइवेट व्हीकल भी आप खरीदते हो 2 व्हीलर, तो उसमें भी आपको, अगर इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो तो उसमें भी आपको इंसेंटिव मिलेंगे, क्योंकि फेस जो आपका सेकेंड है, आपका फेम सेकेंड का फेस सेकेंड है, इसमें 3 व्हीलर 4 व्हीलर तो कॉमर्शियल के लिए और 2 व्हीलर प्राइवेट के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। ये क्यों है कि इंक्रीज करने के लिए फॉर दोज व्हीकल्स जो आपको मतलब, और भी चीज़ है, इंसेंटिव किसे और मिलेंगे, उन व्हीकल को और इंसेंटिव मिलेंगे जो एडवांस बैटरी, जो लिथेनियम आयन की बैटरी यूज़ करेंगे या उससे बड़ी टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी की बैटरी आएगी इन फ्यूचर में, उसका यूज़ करेंगे, उनको भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन होगा, ठीक है ना। तो कुछ मेजर हाईवे कनेक्टिव किए जाएंगे आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है ना। हर 25 किलोमीटर पर दोनों साइड सड़क के एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, क्योंकि आप, और भी मैं आप बता सकता हूँ आपको, बैटरी स्वैप स्टेशन होंगे, जैसे आपकी बैटरी खत्म होगी आपको इमिडिएटली बैटरी चाहिए, तो बैटरी स्वैप स्टेशन डेवलप किए जाएंगे स्वैप करने के लिए। आप अपनी बैटरी दो, उनकी बैटरी लो, तो उसमें क्या होगी, जितनी डेट की आपकी बैटरी होगी उतनी ही डेट की आपकी दूसरी बैटरी स्वैप होकर मिल जाएगी, ऐसा है मैंने सुना है कहीं ना कहीं। तो बस ये है कि जितनी डेट की आपकी बैटरी होगी, बस इतना याद मत रखो, बस इतना याद रखो, इतना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन उठते हैं माइंड पर, बैटरी स्वैप स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, इमिडिएटली आप बैटरी स्वैप करके चार्जिंग बैटरी लेके आप यूज़ कर, यूटिलाइज कर सको। ये कुछ चीज़ें हैं फेम सेकेंड जो स्कीम है आपकी, हाँ, तो उसकी यूटिलाइजेशन, उसका 2019-20 से स्टार्ट हुई है और उसमें किसमें कवर किया गया, 3 व्हीलर 4 व्हीलर इन द पब्लिक सेगमेंट एंड 2 व्हीलर इन द प्राइवेट सेगमेंट, और लिथेनियम की जो आयरन बैटरी यूज करेंगे उनको भी इसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ये कुछ है, इसमें हाइड्रोजन को भी ऐड करने की बात चली, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, उसे एक्सपेंशन करो, इसको भी ऐड करो, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला। नाउ वी बैक टू आवर, अब एलजी रिव्यू, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो दिल्ली में होने वाला है, जो उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव में क्या होगा, मतलब अभी क्या होगा, दिल्ली में 75 इंडिपेंडेंट्स आएगा अपना, जब तक दिल्ली में 500 करके मतलब फ्लैग्स लगाने हैं, वो ऊंचे वाले इंडियन फ्लैग्स लगाने हैं, कुछ है, चलो हम पढ़ते नहीं, बस इतना याद रखना। एमपीएससी महाराष्ट्र का पीसीएस पोस्टपोन हो गया, फिर वहाँ पे कुछ मतलब कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट मान गई है इलेक्शन कराने के लिए। देखो महाराष्ट्र में रिकॉर्डेड 14,317 फ्रेश केसेस स्टार्ट हो गए, राइजिंग स्टार्ट हो गई केसेस की,
और मैंने आप कल पढ़ाया था जो 63%, 63 या 67% जो यूके स्ट्रेन है उससे ज्यादा लोग मरेंगे, 63% मोर ज्यादा लोग मरेंगे इस वाले स्ट्रेन से। ये मोस्ट डेंजरस है इन कंपेयर टू ओल्ड स्ट्रेन जो था अपना यूके स्ट्रेन है, उससे मोस्ट 63% मोस्ट डेंजरस है, ऐसे मैंने आपको कल बताया था। ये पहली न्यूज़ पॉलिटिकल से रिलेटेड, दूसरी न्यूज़ भी पॉलिटिकल से रिलेटेड केरला में, पर मैंने इसमें कुछ चीज़ कलेक्ट की है आपको। देखो केरला ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। 2017 में आपको आपका उकी करके मतलब कि वहाँ पे स्टॉर्म आया था साइक्लोन, 2018-19 में फ्लड आए थे, और 2020 में कोरोना वायरस आ गया। तो दे आर फेसिंग मतलब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फेस कर रहा है केरला कंटिन्यूसली, और उसके बाद उसमें इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है, 8% के अराउंड हो चुकी है। तो कुछ मैंने इसमें न्यूज़ कलेक्ट की है कि क्या इलेक्शन के रखने चाहिए। तो डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी, वहाँ पर डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी भी हो रहा है, वो कैसे डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म एंड राइजिंग द कम्युनलिज्म, ये ग्लोबल और नेशनल थ्रेट है दोनों, मतलब कम्युनलिज्म आपका ठीक है ना, पोजेस द बिग क्वेश्चन टू द स्टेट पॉलिटिक्स। बस आपकी ये लाइन है ये याद रखना, मैंने ये भी पॉलिटिक्स न्यूज़ थी, ये भी इधर भी पॉलिटिक्स न्यूज़ है, जो आपको एंड ऑफ द टूल ऑफ हैरेसमेंट। अभी क्या किया गया है, जो आपके रमेश आपको जो मिनिस्टर थे कर्नाटक थे, उन्होंने मतलब कि किसी वुमेन को मतलब उन्हें क्या किया था, जॉब का उसे मतलब कि लालच देखे और उसके साथ कुछ मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, तो उसने केस रजिस्टर्ड किया, कुछ लीक हुआ, तो वही कुड बिकम ए टूल ऑफ हैरेसमेंट। मतलब कि यही सारी न्यूज़ है, हमारे से रिलेटेड नहीं है, मीडिया की रिलेटेड, क्या पब्लिक इंटरेस्ट है अपॉन, तो उसी से रिलेटेड है कि JDU कांग्रेस गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में जा रही है, अगर वही सारी न्यूज़ है, हमें नहीं पढ़नी। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है वर्किंग टूवर्ड द क्लाइमेटिकल जस्टिस इन ए नॉन आइडियल वर्ल्ड। तो जो है अभी क्या है कि कार्बन को कम करना है और हमें डेवलपमेंट करना है, मतलब कि पॉलिसी को डेवलपमेंट करना है, तो इसमें कुछ न्यूज़ आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड दी गई है। एक तरह से बाइडन आया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो आपका क्लाइमेटिकल चेंज है वो ग्लोबल एजेंडा है। ट्रंप ने इसे मतलब कि पेरिस समिट थी उससे आउट होने की बात बोलती थी, पर अब जो बाइडन जी आए उन्होंने क्या बोला, एक ग्लोबल एजेंडा है। इसमें कुछ नई बात नहीं, सब पुरानी बातें की गई हैं, कि पेरिस जो अकॉर्ड हुआ था विद अ वॉलंटरी कमिटमेंट बट ऑल्सो ए ब्लश डे, फिर मेजर इकोनॉमिक फोरम जो है उनको वर्क करना चाहिए टूवर्ड द इफेक्ट ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट के लिए, क्लाइमेटिकल डिस्क्रेज मतलब कि डिस्कोर्स गिविंग द डिकेड स्टिंग पावर मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर, उनके लिए काम करना चाहिए। फिर आपको नेट जीरो, मतलब कितनी बार बता चुका हूँ, नेट जीरो जो आप कार्बन इमिशन है उसको कम करना चाहिए 2050 तक, जो टारगेट है डोमेस्टिक टारगेट है मतलब रखा उसको फुलफिल करना चाहिए। आपको कंट्री को रिप्रेजेंट 65% ग्लोबल CO2 इमिशन ऑलरेडी एग्री टू दिस, तो हम सब कुछ इसमें वही बात की गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, ह्यूज पॉपुलेशन है इंडिया की और नाउ द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कैन बी ईजियर टू क्रॉस द हायर्स, तो सब चीज़ इसमें क्या कम करनी चाहिए, कम क्या करना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा न्यू नहीं है। और रिलायंस करना चाहिए आपको कोल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मतलब को उसको कम करना चाहिए, एग्जामिनेशन डिटेल आपको रिन्यूएबल पर फोकस करना चाहिए, कार्बन इमिशन कम करना चाहिए। जो एक जो हमारे अपने रघुराम राजन जी हैं उन्होंने क्या किया था, एवरेज 5 टन रखो, अगर कोई 5 टन से ज़्यादा कोई कार्बन इमिशन करता है तो उस पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा दो या फिर उसे पर्टिकुलर पैसे पे करने होंगे, और वो एक कंट्री से जो कम कर रहा है उसको शिफ्ट कर देंगे पैसे, जो कम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है उसको पैसे दे देंगे, जो ज़्यादा कर रहा है उसे शिफ्ट होके। ऐसे कार्बन मतलब कि सर्टिफिकेट्स भी ट्रेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ नई बात की गई है आपको, सारी बात इसमें वही की गई है कि हमें फोकस करना है क्या क्या स्टेप ले सकते हो। देखो क्लाइमेटिक इशू को मैं आपको नोट्स नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि क्लाइमेटिकल इशू का अपने आप ही क्लाइमेटिकल चेंज जो है ना अपने आप में एक बुक का इशू है। अगर नोट्स निकालने बैठोगे तो कम से कम इतनी सारी चीज़ लिखो, आपको क्या करना है जाके आपको 10 पॉइंट इकट्ठे करने हैं, 10 पॉइंट यू हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बुक। वो कैसे करने हैं, पहला मतलब कि कार्बन की प्रॉब्लम क्या है वो लिखना, 10 पॉइंट, फिर कार्बन से हम काम क्या कर रहे हैं, जैसे जीरो फुटप्रिंट वाला है, कार्बन इमिशन कम करना है और भी चीज़ें, तो 5 पॉइंट उनसे, 5 पॉइंट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर कंट्री ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, फिर इंडिया ने क्या लिए हैं, ये पॉइंट आप लिख के 5-5 लिखना, और फिर आपको वे फॉरवर्ड में आप लिख देना, बहुत अच्छा सा आंसर हो जाएगा आपका, बस इतना ही हमें करना। ये भी न्यूज़ ओपेट पेज पे भी देखो, न्यूज़ सारी पॉलिटिक्स आई है, सब पॉलिटिक्स आ गया। फिर मैं आपको बताता हूँ मतलब किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन, मतलब ऐसा कुछ है तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इलेक्शन से आ सामने, बस इसमें मैं आपको सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम बताऊंगा आपको, ये है क्या।
जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, न्यूज़ में एक न्यूज़ आई थी कि वो क्या करेंगे, जो SVEEP जो आपकी स्कीम है, आपकी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, SVEEP जो स्कीम है आपकी, इसमें क्या होगा, ये स्टार्टेड 2009 में हुई थी, इसमें कुछ नहीं था, अवेयरनेस बढ़ानी थी, आपको वोट करना चाहिए, स्प्रेडिंग और वोटिंग की जो आपकी अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना था, प्रमोट करना था वोट लिटरेसी को इंडिया इंडिया में, कि वोटिंग एजुकेशन हो, तो इससे क्या होगा, जो आपका वोटिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए स्वीप स्कीम लाई गई थी। और अभी आसाम में क्या गया है, जो आप डेली यूज़ में यूजेस करते हो ना चीज़ें, कोम यूज़ करते हो कंघा कान में और भी डेली यूजेस में, उसमें आपको मैसेज लिख के दिए जाएंगे, वोटिंग के मैसेज तो अंडर इसी स्कीम में लिख के दिए जाएंगे आपको, स्वीप स्कीम। तो ये 2009 में आई थी और इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाया था, क्यों होती है आपको लिख देगा, रिसेंटली स्वीप इन द न्यूज़ व्हाट इज रिलेटेड टू दैट इज वोटिंग एजुकेशन, स्प्रेड वोटर अवेयरनेस, प्रमोट वोटर लिटरेसी, ठीक है ना। इट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द सोशल इकोनॉमिकल कल्चर डेमोक्रेटिक आपको प्रोफाइल ऑफ द स्टेट ऑफ द हिस्ट्री इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रीवियस राउंड ऑफ इलेक्शन, उसके हिसाब से कि आपकी कल्चर क्या है, जैसे आप आसामी बोलते हो तो आसामी में आपको प्रिंट करके देंगे चीज़ें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे आसामी लैंग्वेज में, ये वो सब, तो उसके कल्चर के हिसाब से, बस आपको याद रखना है कि अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है कि वोट की परसेंटेज को इंक्रीज हो सके, इसलिए होती है स्वीप स्कीम। आपकी क्वाड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैलेंजेस भी देख चुके हैं क्वाड के, उसके बाद हम ये पढ़ना है, एक रह गया हमारा और ऊपर के, हम लिंगराजा पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पढ़ चुके हैं, फेम पढ़ चुके हैं, नाउ वी बैक टू आवर हिंदी न्यूज़पेपर। तो इसमें से यही न्यूज़ है, मैंने बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के न्यूज़ लेके आया हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है आज के न्यूज़पेपर, सबरीमाला का वर्डिक है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको सबरीमाला के बारे में पढ़ाऊंगा बस, कि कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चर वर्ड से जो फाइट चली हुई है, उधर बोल रहे हैं कल्चर है और इधर बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन है, बस मैं उस फाइट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें वही सब कुछ है, वही न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि यही आपको नोटेड करना है। और PM अटेंड द फर्स्ट क्वाड समिट ऑनलाइन टुडे, ये आपको याद रखना। फिर जावेडकर जी ने क्या लिया है, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स है उनकी एक मीटिंग ली है, उसमें क्या है, क्यों लिया गया है, क्योंकि पेटिशन फाइल हुई थी, मतलब कि बिना हमारी मीटिंग के, मतलब जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने पेटिशन फाइल की थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्या फाइल किया था कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि वी वर नॉट इनवाइटेड फॉर दिस डिस्कशन, हमसे डिस्कस नहीं किया गया और ये हम पे कानून ला दिया, तो उन्होंने एक मीटिंग ली है और वही सब कुछ बातें की हैं कि 3 ग्रीवेंस उसमें होंगे, रेसिडेंट मैकेनिज्म होगा, फर्स्ट टू आर टायर विद अ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एंड द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देम, तो वही ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बता रखी है, 3 ट्रायल होंगे, 2 ट्रायल आप खुद करोगे, 3rd ट्रायल आप गवर्नमेंट, पहला जो आपको ट्रायल होगा वो इटसेल्फ बाय द वो जो ग्रीवियंस मैकेनिज्म बनाना होगा, जो पोर्टल है उसी को डेवलप करना होगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा पोर्टल आपको थोड़ा ऊपर के लेवल का होगा, 3rd पोर्टल मतलब जो ग्रीवियंस का होगा मिनिस्ट्रियल लेवल पे होगा, तो ये कुछ पोर्टल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ये हमने बता दिया, यही है उन्होंने मीटिंग ली है और हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये IT रूल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, IT रूल्स, ओवर द ईयर ऑन वायरस स्टिल अपर हैंड, मतलब अभी क्या हो रहा है, वायरस इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे मैंने आपकी न्यूज़ बताई थी 11 फरवरी को WHO ने बैन लगाया था, फर्स्ट आपका प्रिपेडनेस फ्रॉम द कोरोना वायरस, ऐसा WHO ने बैन लगाया था आपको 11 मार्च को, कि पेंडेमिक हो चुका है कोरोना वायरस, पेंडेमिक हो चुका है, तो 11 मार्च को, तो उन्होंने 11 मार्च से और अभी 11 मार्च कल निकली है, अभी केसेस का एक ओवरव्यू लिया है, देखो जो ये वाले नीचे वाले केसेस हैं ये एवरेज न्यू केसेस हैं इंडिया के, ये नीले वाले इंडिया के हैं ये वाले, तो अभी क्या घटने स्टार्ट हो गए थे, फिर थोड़ा सा बढ़ने स्टार्ट होने लगे, ग्राफ ऊपर जाने लगा है, और ये जो एवरेज केसेस हैं ये पूरे वर्ल्ड के हैं, पूरे वर्ल्ड के, देखो वर्ल्ड में तो बहुत ऊपर गए, और फिर यहाँ से फिर थोड़ा डिक्रीज हुए आपका 1 जनवरी के आसपास, फिर थोड़ा इंक्रीज होने लगे, वही सब चीज़ में बात की 11 मार्च को उन्होंने पेंडेमिक किया, इंडिया में कितने केसेस टच किए, हमारे कुछ काम करिए, मैंने थोड़ा इसमें से अलग निकाला है, पर आपको याद रखना है केसेस थोड़े से इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। फिर रिवाइव द टाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान और इंडिया मतलब क्या करेंगे, जो आपका रोवर मिशन मून का जो रोवर मिशन है जाने वाला है, कब जाएगा वो 2024 में जाएगा मून साउथ पोल पे, अभी हम भेजे थे फेल हो गया, वो लैंडिंग के समय फेल हो गया, ठीक है, तो इसरो और जाक्सा कहाँ की, जापान एरोस्पेस आपका एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जापान की है, हमारी इसरो है, ये दोनों साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, ये जो मून रोवर मिशन है 2024 में जाएगा उसके लिए, बस आपको इतना याद रखना है, जिसमें क्वाड में बताया ना साथ में मिलकर काम कर सकते हैं।
ये न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़, 5 ईयर प्लान उन्होंने क्या पर अप्रूव कर दिया है। मैंने आपको बताया था न्यूज़ में था, वो एक डाउन स्ट्रीम में आपके यरलुंग, आपका जेंग को जो रिवर है ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, उसकी डाउन स्ट्रीम में वो एक डैम बनाने वाले हैं। वो ऑलरेडी डैम बना चुके हैं, अपर स्ट्रीम में वो ऑलरेडी बना चुके हैं 3-4 डैम, 2015 में ही बना चुके हैं ऐसा इसमें बोला है, 2015 में ही बना चुके हैं जो ऑपरेशनल है। पर हम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो अपर स्ट्रीम है उसका मतलब जो अपर स्ट्रीम फ्लो विद इन एस्टिमेट 35% ऑफ बेसिन इन इंडिया, ठीक है ना, तो उसका इतना असर नहीं था, फिर भी असर है पानी का। वो डाउन स्ट्रीम में बनाने की बात चल रही, तो उससे हमारे पे क्या होगा, उससे ड्रॉट आ जाएगा आसाम के अंदर, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब खुद बताओ, एक तो वहाँ पे क्या फ्लड इतना आता है, अब इन्होंने पानी रोक रखा है, जब सूखा पड़ रहा है तो इन्होंने पानी रोक रखा है, जब पानी ज़्यादा होगा और ऑलरेडी फ्लड है मतलब, और ये फिर ऊपर से और पानी छोड़ देंगे, ठीक है ना, और पानी आसाम में आ जाएगा, तो उससे क्या फ्लड और बढ़ जाएगी, फ्लड भी बढ़ सकता है, ड्रॉट भी आ सकता है, फ्लड भी इंक्रीज हो सकती है, जो वहाँ की एरिया की मतलब जो एग्रीकल्चर चीज़ें वो और डाउन हो सकती हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारे कुछ इशू हैं, ठीक है ना। और ये दूसरी बात, ये डाउन स्ट्रीम में डैम बनाया जाएगा कि बिल्कुल अरुणाचल के बिल्कुल पास में बनाया जाएगा, जहाँ से ग्रेट बेंड लेती है रिवर, तो हाई प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपके प्रायोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है इसको दिया गया है, और ग्रेट बेंड बिल्कुल इंडिया के पास में डेवलप किया जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो हमने 5 ईयर प्लान के अंदर आया है। ये हांगकॉन्ग से रिलेटेड और कोई न्यूज़ नहीं है, और ये ख़त्म हो जाता है आपका यहाँ पर। अब गवर्नमेंट टाउन बैंक, बैंक जो बेड बैंक है, गवर्नमेंट के ऑनिंग बेड बैंक है, इट इज़ मोर कैपिटल एफिशिएंट। मतलब बेड बैंक क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं बेड बैंक है क्या, आपके होती है मतलब कि जैसे एनपीए इंक्रीज हो गए, बैंक का एनपीए इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे ये बेड बैंक, बैंकों से एनपीए खरीद लेंगे। बेड बैंक नहीं है, पर ये बेड लोन्स जो हैं बैंकों पर इंक्रीज हुए हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे ये एनपीए खरीद लेंगे, और जो उनकी मतलब कि स्ट्रेस था उनकी मतलब कि, ठीक है, अकाउंट बुक पर, वो कम हो जाएगा और ये उनसे खरीद लेंगे, फिर ये डील करेंगे उसको एनपीए को कैसे रिकवर करना है, रिकवर होने के बाद ये पैसा कुछ जो उनका पैसा होगा वो बैंक को लौटा देंगे, और बैंक इनको अपनी कमीशन प्रोवाइड कर देगा, ऐसा भी है, और खरीद भी सकते हैं वो कुछ डील करके। तो बेड बैंक गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, एसेट कंपनीज होती हैं, थोड़ा तो वही उसी टाइप की बेड बैंक है, बस आपको बेड बैंक याद रखना है। ये गवर्नमेंट टाउन बनाएगा, पहले ही प्राइवेट भी चलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट भी होती हैं आपकी, ठीक है ना, पर ये गवर्नमेंट भी डेवलप करने जा रहा है बेड बैंक, क्योंकि एनपीए को ठीक करने के लिए। फिर कल्याणी ज्वेलर्स पे आएगा आईपीओ, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आईपीओ इंपॉर्टेंट है। आईपीओ क्या होता है, ये होते हैं आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आपको अपने शेयर्स निकालती है मार्केट में, उसे बोलते हैं आईपीओ, बस इतना याद रखो, आईपीओ उसे बोलते हैं इनिशियल। तो अपने अपने शेयर निकालने वाला है 1000 करोड़ के आईपीओ। इतनी ही न्यूज़ है आज की न्यूज़ पे, थोड़ा सा मैं आपको, हमारी एक न्यूज़ रह गई है वो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो फाइट आपका सबरीमाला के रिलेटेड, और भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे, क्या फाइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चर डायमेंशन। अब क्या फेवर में क्या 991 में क्या बोला था कि एज रेगुलेशन, अभी सबरीमाला पे क्या है, वहाँ पे जो आपकी एज रेगुलेशन है, इतने साल से इतने साल तक की औरतें वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती हैं, जैसे लिखा गया है इसमें 10 to 15 जो एज है, 10 साल से आपकी 50 साल तक की वुमेंस वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है। जो सबरीमाला की जो डाइट है, मतलब जो वहाँ पे गॉड है वर्शिप इनकी हम करते हैं, वो आपका नक्षिता का और ब्रह्मचर्य जो इनसे रिलेटेड आपको बिलोंग करते हैं, और टेम्पल बैंड क्यों सपोर्ट करता है, कुछ मैं आपको सपोर्ट बताता हूँ। पर्टिकुलर जो डाइट सिस्टम है ना, वो टेंट्रिक इन नेचर है, नॉट इन वैदिक इन नेचर नहीं है, वो वहाँ का टेंट्रिक इन नेचर है। और टेंट्रिक आपका तंत्रिक सिस्टम क्या बोलता है, टेम्पल इज नॉट ए प्रेयर हॉल, टेम्पल जो प्रेयर हॉल नहीं है, बट ए एनर्जी सेंटर है। इसे सिस्टम में किस में बताया गया है, उसमें बताया गया तंत्रिक जो सिस्टम है कि, और डाइट इज नॉट ए गॉड बट इज द ओमनी प्रेजेंट, ठीक है ना, बट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी पर्टिकुलरली आपका स्पिरिचुअल स्पेस, मतलब तो वो एक तरह से गॉड नहीं है, वो एक एनर्जी फॉर्म में है, और वो कोई मतलब कि वैदिक कल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो टेंट्रिक इन नेचर्स है। और टेंट्रिक क्या बोलता है, वो प्रेयर हॉल नहीं है, वो एनर्जी सेंटर है। और यूनिटी इन द सोल एवरी टेम्पल, मतलब सब टेम्पल के अलग अलग अपने सोल्स होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ वुमेन, मतलब आप कॉन्गुलेटेड इन द सबरीमाला एवरी ईयर जाती हैं, पर वो बड़ी मतलब 50 साल से ऊपर की जाती हैं। देर इज ओनली लिमिटेशन जो है आपको 10 से 50 साल है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक नेचर ऑफ आपको आइडियल जो है वहाँ का स्पेशली नेचर है।
ठीक है ना, द वो मतलब सेलिब्रेसी जो होती है आपकी, सेलिब्रेसी होती है एसोसिएटेड विद द आइडिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं उसकी, प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये बताया लॉर्ड अयप्पा का वो टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का, और वो आपका नक्षत्र की वो आपका ब्रह्मचारी है, तो नक्षत्र के ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उसमें 10 से 50 साल तक वुमेन नहीं जा सकती। मतलब ये कुछ एज होती है, प्यूबर्टी की एज होती है, मतलब कि पीरियड्स की एज होती है, तो किसी कुछ कारण है, यही सब कारण है वो वुमेन को अलाउड नहीं है। पर इसके अगेंस्ट क्या है, इक्वलिटी, इक्वलिटी का बहुत बड़ा इशू है, आर्टिकल 15(1), यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलीजन कास्ट, उस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये डिनोट करता है कि पेट्रियार्टिकल सोसाइटी है अभी तक हमारे इंडिया में चल रही है। आर्टिकल 25 आपको रिलीजन, आप जो मन चाहे वैसा रिलीजन अपना, जहाँ चाहे जिस रिलीजन में आप जाए, फ्रीडम देता है आपको रिलीजन, फ्रीडम देता है। और आर्टिकल 15(1)(a) ये प्रोहिबिट करता है वुमेन एंट्री टू द शराइन ऑफ स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ वुमेनहुड एंड द बायोलॉजिकल फीचर एसोसिएटेड विद द वुमेनहुड इज द डिट्रोग्रेटरी टू वुमेन, ऐसा 15(1)(a) बोलता है। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एज, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एज एक्ट मतलब कि एक डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन द सेक्स से, मतलब कि आप उसे सेक्स के हिसाब से रोक रहे हो, जैसे वुमेन को तो अलाउड है पर कौन सी 10 साल से छोटी है और 50 साल से बड़ी है, और उसकी एज से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, एक गलत चीज़ है, उसमें ऐसा बताया गया। फिर वॉर हेड, मतलब वॉर मतलब कि आगे क्या करना चाहिए, वॉर हेड क्या करना चाहिए, फेथ एंड प्रैक्टिस जो रिलीजन डोमिनेटेड है, क्वेश्चन जो इशू अराइज हो रहे हैं सीरियसली क्वेश्चन, फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, आपका डिनोमिनेशन ऑफ द और सेक्ट्स पे यू नो इशू को मतलब ट्रैकल करना चाहिए, और एक जुडिशियल प्रोसेस है उसे मतलब कि सब स्टेंटियल होना चाहिए और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं, आप ये लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसके अगेंस्ट हैं, और कुछ उसमें मतलब कि कल्चर है, जो कल्चर वो डाइट कौन से हैं, मतलब कि डाइट कौन से हैं, लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है वो किस वैदिक से नहीं टेंट्रिक सिस्टम जो बिलोंग करते हैं, वो कोई गॉड नहीं है, मतलब कि वो एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो चैतन्य जो है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं अगर कोई सबरीमाला का इशू आता है, या फिर कल्चर और कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड कोई चीज़ आती है, तो आप उसमें एग्जाम्पल देना सबरीमाला का, और सबरीमाला के बारे में कुछ चीज़ ये लिख देना। तो इतनी ही न्यूज़ है आज के लिए, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है, ओके दैट।